नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले में एक बार फिर जादू टोने के शक में एक अधेड़ आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। गांव के ही लोगों ने जादू टोने के शक में उसकी हत्या कर दी थी। बरगवा पुलिस ने आज उस मामले में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरगवा थाना क्षेत्र के जंगल में एक अधेड़ का शव मिला था, जिसकी पहचान बंदा निवासी मेहीलाल के तौर पर की गई, जिसके गुम होने की खबर बरगवा थाने में की गई थी। बरगवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संत कुमार गुर्जर और भोला प्रसाद शर्मा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपियों ने बताया कि उन्हें शक था कि मेहीलाल जादू टोना किया करता था, जिस कारण उन्होंने उसे अकेला पाकर टांगी से उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया टांगी भी बरामद कर लिया है और आरोपी संत कुमार गुर्जर और भोला प्रसाद शर्मा को अपराध क्रमांक 313/20 की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हत्या हुई है बरगवा थाना अंदर, क्या मामला है? 15 अगस्त के दिन ये सूचना मिली थी कि बंदा जंगल के पास में एक अधेड़ वाली पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके उसमें बरगवा पंजीबद्ध किया और इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हत्या करना पाया गया था, जिसमें दो आरोपी हमने अरेस्ट करके ले आते भेजा है। प्राइमरी रूप से ये आया है कि उसमें जो आरोपी पक्ष थे उनका ऐसा कहना था कि जो मृतक है वो जादू टोना कर रहा है। इस बात से उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई है, तो इस मैटर में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो आगे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे।